जय माता दी। साथियों, आप सब जानते हैं कि मेरा जो प्रयास, मेरी जो पहल, कोशिश हमेशा यही रहती है बीइंग ए लोकल सिटीजन होने के नाते कि आप लोगों को मौसम के संबंधित जानकारियों के साथ साथ यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारियाँ साझा करने की, भले ही वो जानकारी वैष्णो देवी यात्रा के संबंधित हो या शिवकुड़ी यात्रा के संबंधित हो। और अभी सबसे बड़ी बात यह कि 2 साल के बाद जो है अमरनाथ की जो यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है, और उसके संबंधित भी जो है प्राथमिक जानकारियाँ साझा करने का प्रयास मैं करता आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में खासकर अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए इस वीडियो में जानकारी क्लॉक रूम के संबंधित मिलेगी, क्योंकि मुझे पिछले कई दिनों से मैसेज इंस्टाग्राम डेली यात्रा ब्लॉग्स के पेज पर आ रहे थे, और आज मैंने सोचा कि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को साझा करने में पूरा सहयोग करूंगा। और चलिए, अब आपको जानकारियां जो मिलेंगी वो क्लॉक रूम के लिहाज से मिलेंगी कि आप लोग अमरनाथ यात्रा के दौरान कहां कहां पर जो है क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ जो मिल सकती है, और ये क्लॉक रूम निशुल्क हैं या फिर चार्जेबल हैं। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों मुझे बहुत सारे मैसेज जो इंस्टाग्राम के माध्यम से आ रहे थे अमरनाथ की यात्रा को लेकर, और उसमें भी जो जानकारी आप लोगों द्वारा जो पूछी गई थी वो क्लॉक रूम को लेकर पूछी गई थी। तो कई दिनों से मैं खोज कर रहा था कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे सटीक या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, तो वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साझा करने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है। चाहे मौसम की बात करें, यात्रा के लिहाज से जुड़ी तमाम जो प्रशासनिक जानकारियां रहती हैं वो देने का मेरा पूरा प्रयास रहता है, अपने YouTube चैनल के साथ साथ Facebook पर भी। तो आप लोगों के द्वारा जो भी सवाल पूछे थे क्लॉक रूम को लेकर, खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है क्लॉक रूम की फैसिलिटी जो है कहां कहां पर उपलब्ध करवाई जा रही, और क्या ये क्लॉक रूम निःशुल्क रहेंगे या फिर कोई चार्जेबल रहेंगे, तो आइए इस पर कुछ विस्तारपूर्व जानकारी आप लोगों को साझा कर देते हैं। साथियों, सबसे पहले तो जो अमरनाथ, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो क्लॉक रूम की फैसिलिटी है वो सबसे पहले जो बेस कैंप है नुनवान, ये इलाका जो पहलगाम में पड़ता है साथियों, वहाँ पर सबसे पहला जो क्लॉक रूम की फैसिलिटी है वो आपको दी जाएगी। और इसका जो शुल्क रखा गया है वो 30 रुपये रखा गया है, जिसका जो कि 24 घंटों का ये चार्ज रखा गया है। इसके साथ साथ साथियों बात करें बालटाल, यहाँ पर भी जो है 30 रुपये चार्ज रखा गया है क्लॉक रूम का, और ये भी 24 घंटों का चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ होली केव जनी श्राइन होली केव में भी आपको जो है क्लॉक रूम की फैसिलिटी जो है मिल जाएगी अमरनाथ यात्रा के दौरान, और यहाँ पर भी जो है 30 रुपये की रकम आपको देना पड़ेगी 2400 घंटे के लिए। और ये जानकारी जो थी अभी कुछ दिन पहले ही जो है अपडेट की है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो इसी को जानकारी को आगे अवेयरनेस के तौर पर खासकर अमरनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जानकारी देने का पूरा प्रयास था। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि क्लॉक रूम के हवाले से आप लोगों को जो जानकारी है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान नज़दीकी क्लॉक रूम आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो उसके संबंधित मैंने कोशिश की है साथियों जानकारी देने के लिए।